गुड मॉर्निंग डॉक्टर. गुड आफ्टर ओके गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून. चैप्टर 12 पेज नंबर 144. चैप्टर 12 144. यस सर. उसको कंप्लीट करते हैं. यस्टरडे 144 मैम. यस यस यस. अयांश अनम्यूट कर ले एंड अक्षत अग्रवाल अनम्यूट कर दे दो बच्चे. यस मैम. अगर साउंड आता है देन यू कैन म्यूट. अक्षत और अयांश बेटा अभी म्यूट कर लो. जब कुछ पूछना देन यू कैन गिव द आंसर. आवाज नहीं आना चाहिए मुझे. सो हेयर यू कैन सी दिस वन. हैव यू डन दिस वन. ये वाला मैम ने उस दिन बता रही थी. सो कैसे वो वे करेगा फायरवुड. जैसे 4 kg ऑफ फायर उसके पास ब्रोकन हो गया था उसका पत्थर. तो ये 5 kg 6 kg 2 kg में हो गया था. तो 4 kg कैसे करेगा. तो वन टाइप वन साइड ही विल कीप द 6 kg दिस वन और वन साइड 4 kg एंड 2 kg weight एंड जो एक्स्ट्रा होगी वो फायरवुड होगी. ठीक है. अब 3 kg ऑफ 3 kg कैसे वेट करेगा. वन साइड ही विल कीप 5 kg वेट रख देगा ये वाला और उसको 3 kg करना है. सो 2 kg का वेट रखेगा और बाकी जो रहेंगी वो 3 kg अयांश. ठीक है. फायरवुड रहेंगी. अयांश अनम्यूट कर सकते हो. अयांश समझ आ रहे हैं कैसे करेगा वेट. कितना आंसर है अयांश. अनम्यूट करिए. अयांश अनम्यूट करो. यस मैम. हाँ आंसर आया. यस मैम समझ गए. हाँ यस मैम. हाँ 7 kg ऑफ फायरवुड. अब 7 kg कैसे करेगा. वन साइड ही विल कीप ये 5 और 2 ये दोनों रख देगा. 5 weight और 2 तो 7 हो जाएगा. यस 5 kg 2 kg रख देगा और इधर पूरी टोटल फायरवुड हो जाएंगी. सो ही कैन वे लाइक दैट. अब म्यूट कर लीजिए बेटा. म्यूट कर लो यार. नाउ दिस वन पे नंबर हियर पोस्ट ऑफिस. हैव यू सीन दिस लेटर बॉक्स. सबने देखा होगा ये पोस्ट ऑफिस में. हर इज पिक्चर ऑफ लेटर बॉक्स. हैव यू एवर बीन टू ए पोस्ट ऑफिस. क्या आप कभी पोस्ट ऑफिस गए और देखा है. यस यस देखा होगा. सो यू कैन राइट हियर. यस यस. What different things do people go there for? क्या करने के लिए वहां पे जाते हैं. जैसे हाउ मच डज इट. क्या करने जाते हैं. और लेटर पार्सल ये सब पोस्ट करने जाते हैं ना. राखी भेजना है कोई पार्सल भेजना है. Yes, ma'am. They go there to parcel their things, है ना. हाँ कौन बोल रहे हैं. गुड आफ्टरनून. हू इज टेलिंग दैट. मैंने तो म्यूट किया हुआ है सबको. ग्रंथ अक्षत एंड अयांश बस अनम्यूटेड है. ओनली टू. अक्षत अग्रवाल आप अनम्यूट हो ना. है ना मैम ने म्यूट नहीं किया. अक्षत अक्षत. हाँ ठीक है. आंसर मुझे चाहिए देन यू कैन गिव द आंसर. हाउ मच डज ए पोस्ट कार्ड कॉस्ट. पोस्ट कार्ड की कॉस्ट कितनी है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना है पोस्ट कार्ड की कॉस्ट. देखिए दिया गया है नीचे. ये देखिए आप सिंगल पोस्ट कार्ड. या सिंगल पोस्ट कार्ड 50 पैसे. कितनी है. 50 पैसे. 50 पैसे. सो राइट हियर 50 पैसा. यहाँ पे लिख लीजिए 50 पैसे. यहाँ पर या तो हम रुपी 0.50 बोलेंगे या 50 पैसा. 50 पैसा ठीक है. देन हाउ मच डज एन इनलैंड लेटर कॉस्ट. इनलैंड का दिया गया ये रहा. देखिए यहाँ पर इनलैंड ये दिस वन इनलैंड लेटर कॉस्ट 2 rupees and 50 paisa. दैट इज मैम. इनलैंड लेटर क्या होता है.
इनलैंड जो वो अंतरदेशी जिनको बोलते हैं ना नीले कलर के होते हैं जिनको बंद करते हैं पोस्ट कार्ड yes, ma'am, yes, ma'am. देखे ना नीले वाले इनलैंड उनको बोलते हैं इनलैंड ठीक है तो वो कितने का है 2 रुपीज 50 पैसा बेटा आवाज नहीं आया इस बंद कर लो बेटा आवाज आ रही तुम्हारे यहाँ से तो कितना है उनका कॉस्ट 2 रुपीज हाँ 2 रुपीज 50 पैसा जस्ट हियर यू कैन राइट रुपीज 2.50 50 क्या है अक्षत अग्रवाल 50 क्या है मैम पैसे 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 अक्षत अग्रवाल अनम्यूट करो बेटा आप आंसर नहीं कर पा रहे हो क्या अनम्यूट करिए अक्षत अग्रवाल म्यूट अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या आपका अब हो गया है हो गया है तो म्यूट ही दिखा रहा है आपका तो मुझे म्यूट ही दिखा रहा है वहां पे चलिए मतलब 2 रुपीज एंड 50 पैसे हाँ ये क्या है 2 रुपीज और 50 क्या है पैसे ना अयांश ये 3 रुपीज कम बन जाएंगे 3 रुपीज कम बन जाएंगे बताइए अक्षत आप बताओ ये 3 रुपीज अगर हम लोग 50 पैसे और ऐड कर देंगे तो 3 रुपीज बन जाएगा 3 रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा ओके तो यू हैव सीन इधर देख लो इसको चार्ट को फिर हम बोर्ड पे सोल्व करेंगे क्वेश्चन है ना तो पोस्ट ये पोस्टल रेट रेट से देखिए सिंगल पोस्ट कार्ड की कॉस्ट है 50 पैसा प्रिंटेड पोस्ट कार्ड है 6 रुपीज और इनलैंड लेटर 2 रुपीज 50 पैसा अब लेटर वेरी अब चार्जेज हाँ अभी मत बोलिए अभी मैम के साथ मत बोलिए अब ये चार्जेस चार्जेस देखिए ध्यान से देख लीजिए नंबर 20 ग्राम और लेस 20 ग्राम या उससे कम जैसे राखी भेजते हैं हम या कोई सामान भेजते हैं तो वो लोग वेट करते हैं ऐसे रख के देखिए इससे देख रहा है ना नीचे जो ये रखी हुई है yes, ma'am. Yes, ma'am. ये यहाँ पर यू कैन सी हियर ये देखिए वेट करते हैं वो है ना वेट किया जाता है तो अगर ये कितनी है 20 ग्राम या उससे कम है तो 5 रुपीज लगेगा 20 ग्राम पे 5 रुपीज लगेगा उसके बाद सेकेंडरी हाँ फॉर एवरी एडिशनल 20 ग्राम अब 20 ग्राम से सपोज 40 ग्राम है तो कितना लगेगा रेट बताइए कितना लगेगा अगर वो 40 ग्राम हुई अक्षत और अयान 40 ग्राम है वो 40 ग्राम है ये वाला वेट देखिए 20 ग्राम के लिए तो 5 रुपीज लगा 20 ग्राम के लिए 20 ग्राम के लिए वो 2 रुपीज लेंगे अगले 20 ग्राम के लिए 2 रुपीज लेंगे तो टोटल कितना लगा 7 रुपीज लगा ना देखिए समझिए इसको 20 ग्राम के लिए सबसे शुरुआत जब हो रही है 20 ग्राम के लिए ले रहे हैं वो 5 रुपीज ठीक है हाँ उसके बाद जितना वेट बढ़ेगा 20 ग्राम अगर बढ़ता है तो वो लेंगे उसका 2 रुपीज उसका 2 लेंगे तो 5 2 7 अगर 50 ग्राम होता तब कितना लेते बताइए 50 ग्राम होता तो दोनों को मिलाकर सब पूरे 50 ग्राम है ये लेटर 50 ग्राम का है उसका कितना वेट लेंगे बताइए बताइए मैम को आराम से कैलकुलेशन करिए आराम से बताओ कितना अक्षर कोई भी थम्स अप कर सकता है जिसको आंसर आ रहा है दे कैन गिव द थम्स अप 10 रुपीज 2 and 12 रुपीज 0.50 पैसे और भी किसी को आंसर आ रहा है दे कैन गिव रमा अनम्यूट कर लो एंड हियर इज सुमंत्र आयुषी माही माही अनम्यूट कर लीजिए 3-4 बच्चों को मैंने देखिए ध्यान से देखिए मैम ने बोला 50 ग्राम बोला है ना तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 20 ग्राम के लिए लगा 5 रुपीज ठीक है हाँ उसके बाद फिर से 20 ग्राम तो 20 20 40 हो गए 40 ग्राम हो गए ना और उस 20 के लिए उस 20 के लिए लिया इन्होंने 2 रुपीज तो 5 2 7 हो गए 40 ग्राम के 7 रुपीज लगे अब हमारे पास वेट कितना था 50 ग्राम था ना तो 10 ग्राम और बचा तो 10 ग्राम का भी वो 2 रुपीज लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 9 रुपीज 11 क्यों होगा
देखिए ये इसको ध्यान से सुनो, देखो अगला फोर एवरी एडिशनल 20 ग्राम, 20 ग्राम के लिए 2 ले रहे हैं, तो भले ही वो 20 हो या 20 से कम हो तो वो 2 ही रूपी लेंगे, जो उसमें ऐड होता जाएगा ना, अगला वेट ऐड होता चलेगा, अगर वो 20 ग्राम से भी कम है तब भी वो 2 ही रूपी लेंगे उसका। देखिए यहाँ पर तो पहले 20 ग्राम, सपोज हमारा लेटर 50 ग्राम का था, ठीक है ना, लेटर कितने ग्राम का था, 50 का, तो पहले पहले 20 के लिए उन्होंने 5 रूपी लिया, ठीक है, पहले 20 के लिए। अब फिर दूसरा 20, तो 20 20 40 हो गया, फिर उसके लिए उन्होंने 2 रूपी लिया, मतलब 40 ग्राम तक हमको 7 रूपी देना पड़ा, ठीक है। अब बचा 10 ग्राम, उस 10 ग्राम के लिए भी वो 2 रूपी चार्ज करेंगे, तो टोटल हमारा 5 2 7 और 2 9 कितना लगेगा, 9 मैम। अक्षत, अक्षत आंसर करिए, समझ आया कुछ, रमा आंसर बताओ, अक्षत अग्रवाल कुछ समझ आया कि नहीं आया, बोलिए, अवनी आया, अवनी कंचनी, हाँ अनम्यूट करके आंसर करो, कुछ आया समझ में, अनम्यूट करिए। यस मैम आ गया, आ गया, यस मैम, अच्छा चलो आ गया, तो अब माही आंसर करे। अब ये 60 ग्राम है, 60 ग्राम हो गया लेटर का वेट, है ना, 60 ग्राम है लेटर, तो अब कितना पैसा उसको लगेगा, कितना चार्ज, सुनाई नहीं दे रहा किसको, अच्छा अब क्वेश्चन पूछा तो सुनाई देना बंद हो गया, मैम ने क्वेश्चन पूछा तो सुनाई देना बंद, सुनाई दे रहा मैम, हाँ ठीक है ठीक है, आई नो दैट, हाँ मुझे पता है उसको माइक सुनाई देगा अभी, अक्षत अग्रवाल आपको सुनाई दे रहा है, यू गिव द आंसर, यस मैम सुनाई दे रहा, सुनाई दे रहा, हाँ तो बोलो, 11 रुपी होगा, 11 रुपी, देखिए 20 देखते हैं ना, 20 कितना बोला मैम ने, 60 ग्राम बोला ना, 60 मैम, 60 तो उसका 11 रुपीस होगा, 11 रुपीस होगा, यस मैम 11 रुपीस होगा। एक दूसरे को कॉपी मत करो, कॉपी नहीं करो, एक ने आंसर दिया रॉन्ग तो आप रॉन्ग नहीं करो, देखो 60 ग्राम है ना टोटल, टोटल 60 ग्राम में हो गया वेट, तो पहले 20 ग्राम के लिए इसने 5 रुपी लिया, फिर 10 होगा क्या, लेसन लेसन पहले मैम का सुनो, पहले 20 ग्राम के लिए इसने 5 रुपी लिया, ठीक है, फिर दूसरे 20 ग्राम के लिए इसने 2 रुपी लिया, हो गया टोटल 40 ग्राम, है ना, 40 ग्राम हो गया ना, 40 ग्राम का लगा 7 रुपी लगा 40 ग्राम yes, ट्वेंटी और बच रहा है, तो 20 ग्राम का फिर से वो 2 रुपी लेगा, तो टोटल कितना लगेगा 60 ग्राम का बताइए, 9 रुपी लगेगा, 11 क्यों लगेगा, हर 20 50 का भी 20, यस यस, क्योंकि वो मैंने क्या बोला कि या तो 20 ग्राम और उससे कम भी होगा, अगर 20 ग्राम से भी कम होगा तब भी वो 2 ही रुपी लेंगे, मैम ने बोला था ना, ये लिखा है देखिए, yes, 20 ग्राम और लेस, 20 ग्राम से कम भी होगा तब भी वो 2 रुपी लेंगे ही उसका, तो दोनों का 9 रुपी लगेगा, 50 ग्राम का भी 9 लगेगा और 60 ग्राम का भी 9 रुपी लगेगा, क्लियर हुआ अभी, 60 ग्राम का 9, हाँ अभी क्लियर हुआ, अभी क्लियर हुआ, यस मतलब उनको 20 ग्राम का लेना है, देखिए 20 ग्राम का लेना है उनको, एडिशनल 20 ग्राम जो है ये देखिए यहाँ पे 4 एडिशनल 20 ग्राम का उनको 2 रुपी लेना है, भले ही वो 20 से भी कम हो तब भी वो 2 रुपी लेंगे एडिशनल वाला जो आगे ऐड हो रहा है वेट। अब देखिए यहाँ पे ऐसे पार्सल वेगिंग 50 ग्राम और लेस, 50 ग्राम या उससे कम तो 5 रुपी लग रहा है, ठीक है इसको ध्यान दीजिएगा, 50 ग्राम yes, अब ये पार्सल है, अब ये लेटर था अब ये पार्सल आ गया, 50 ग्राम का लग रहा है 5 रुपी, अब नीचे वाली लाइन है फॉर एवरी एडिशनल चार्ज 50 ग्राम, अब हर एक उसके बाद जो एडिशनल ऐड होगा उसके लिए लेंगे वो 3 रुपी, समझ आ रहा है, 3 रुपी समझ आ रहा है, एक्सेप्ट ग्रंथ ग्रंथ कहाँ देख रहे हो, यस मैम यस मैम, तो अब मेरे को बताओ चलो, तो 100 ग्राम के लिए कितना लगेगा, 100 ग्राम का बताइए कितना लगेगा पैसा, 100 ग्राम का पार्सल तो, यस मैम कितना लगेगा 100 ग्राम के लिए, रमा आंसर करो, 100 ग्राम के लिए मैम
8 रुपीज। देखो 50 ग्राम के लिए तो 5 लगा और उसके बाद 50 ग्राम जो है उसके लिए 3 लगेगा, तो 5 3 8 8 8 रुपीज। और 200 ग्राम होता, मान लो पूरा वेट 200 ग्राम होता तो बताइए तो कितना लगता, 200 ग्राम होता। मैम कितने ग्राम क्या कहीं? 200। हाँ प्रतिष्ठा बताओ, 200 करो प्रतिष्ठा। मैम तब मैम 8 होता। देखो 200 ग्राम में 50-50 के पीस बनाते तो 4 पीस बनेंगे ना, 50-50-50 4 टाइम 50 होगा ना 200 में। यस मैम। ठीक है, अब पहले वाले 50 के लिए 5 रुपी लिया, ठीक है ना, बाकी 350 के लिए 3 रुपी ले रहा है, तो 3 जा 9 और 9 5 14। कैसे? देखिए अगर हम 200 ग्राम को 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 4 पार्ट्स में 50-50 के 4 पार्ट बन जाएंगे ना, 4 पार्ट। यस मैम। यस मैम। मैम 14 रुपीज। ना अब आया 14 रुपीज। हाँ तो पहले वाले 50 ग्राम के लिए तो 5 रुपी लेगा और बाकी जो 3 50-50 है उनके लिए हर एक के 3 रुपी ले रहा है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 और 5 एडिशन है ना, तो समझ आया 14 ग्राम। यस मैम। 14 ग्राम इस तरह से होगा। यस मैम। अभी हाँ इसलिए मैम ने एक्सप्लेन कर दिया, आगे अब आगे क्वेश्चन इसी तरह से है। रमा कुछ आया समझ में? यस मैम। झूठ नहीं बोलना बेटा, एडिशनल चार्ज हमको देखना है, फॉर एवरी एडिशनल चार्ज। पहले 50 ग्राम के लिए 5 रुपए, उसके बाद जो ऐड होता है। मैम ये मैम जो ये वाला, मेरे को ये वाला समझ नहीं आया, ये वाला जो है ये समझ नहीं आया मेरे को, ये वाला मुझे दिख ही नहीं रहा कौन सा पेज नंबर बोलो, यही बोल रहे हो क्या? 145 पेज नंबर 144 में क्या ये वाला? मैम 144 में सी नंबर में जो वो समझ नहीं आया मेरे को। 7 kg ऑफ फायरवुड। यस मैम। ये तो सबसे इजी है, देखिए इसके पास दो वेट था ना, तो एक तरफ वो 5 और 2 दोनों को रख देगा, 7 हो गया ना 5 और 2। अच्छा 5 रख दिया 2 रख दिया, और दूसरी तरफ पूरी फायरवुड रख देगा तो 7 kg हो जाएगा ना, ये तो सबसे इजी वाला है। यस मैम। इसको तो सबसे इजी वाले को गड़बड़ कर रहे हो, सबसे टफ वाले को नहीं समझ। समझ आ गया? यस मैम। ओके अनिष्का ये बताओ बेटा, अनिष्का अनम्यूट करिए, ये आया आपको एडिशनल, ये कैसे हमको कैलकुलेट करना है? यस मैम। आया? ठीक है। यस मैम। अब यहाँ पे रीड कर रहे हैं। यस मैम। एट द पोस्टल रेट गिवन इन द चार्ट, चार्ट में जो पोस्टल रेट दिए गए उनको देखते हैं, देन we have to give the answer of the following question. How much will you have to pay for stamps on a letter weighing 50 grams? Letter एक है 50 ग्राम, ये वाला letter, इसको 50 ग्राम का letter है, तो उसके लिए कितना आप यहाँ पर pay करोगे? तो मैम ने बताया था ना 50 ग्राम का कितना करोगे, बताइए यहाँ पे निकाला था। five rupees. तो वो 50 ग्राम है ना, ये तो 20 ग्राम का है 5 रुपी, और वो लेटर का लेटर 9 रुपी, क्योंकि अगले 20 ग्राम के लिए 2 रुपी, फिर उससे अगले 10 ग्राम के लिए 2 रुपी। लेकिन जो नीचे लिखा है तो उसमें 50 ग्राम लिखा है, वहाँ भी 5 ग्राम 5 रुपी लिखा है। कहाँ लिखा है 5 रुपी? ये वाला बोल रही हूँ, कहाँ पे लिखा है 5 रुपी? ये अलग है, ये पार्सल है, ये लेटर है, ये लेटर वाला, पहले हम लेटर वाला कर रहे हैं, वो पार्सल वाला लेटर। ओके मैम। हाँ ये पार्सल वाला 9 होगा ना, तो यहाँ पर लिख लीजिए 9 रुपीज 9। अभी मैं बोर्ड पे भी बताऊंगी, इसको सॉल्व करूंगी, रुपीज नाइन। कैसे निकाला वो समझ आया आपको, कैसे 9 रुपी आ रहे हैं? अनिष्का बेटा पता चला 9 रुपी कैसे आया था, ये पता होना चाहिए ना 9 रुपी कैसे आया। देन
अब ये है, अब नीचे वाला है देखिए पार्सल वाला, आकाश वांट्स टू सेंड ए पार्सल ऑफ द मैथ मैजिक टेक्स्ट बुक टू हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड को भेजना है जो कि चेन्नई में रहती है रानी, मैथ बुक भेजनी है उसको। द बुक वेट 200 ग्राम, बुक का वेट है 200 ग्राम। सी द रेट चार्ज टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग द बुक, अब हमको पार्सल देखना है, देखिए पार्सल ठीक है, बुक का वेट कितना है प्रतिष्ठा, बुक का वेट कितना है देखो ये 200 ग्राम। मैम ये 14 रुपीज, वेट वेट निकालते हैं ना, तो देखिए पहले 50 ग्राम के लिए 5 रुपीज लगा, ठीक है पहला 50 ग्राम कितना लगा 5 रुपीज, उसके बाद दूसरे 50 ग्राम के लिए लगा कितना 3 रुपीज, तो टोटल 100 ग्राम हो गए ना, 100 ग्राम हुआ ना अभी, यस मैम 100 ग्राम हुआ, 100 ग्राम के लिए 8 रुपीज लगा, 100 ग्राम के लिए 8 रुपीज लगा, अब कैसे 850 और ले रहे, अब 850 और लिया उसका 3 रुपीज लगा, तो टोटल हो गया 11 हो गया 11 रुपीज, और ग्राम कितने हो गए, ग्राम कितने हो गए 150 ग्राम है ना, अगला 50 और लिया टोटल 200 हो गया, और ये हो गया कितना 11 3 14 अनन्य जायसवाल बोलो एंड पूर्वी अग्रवाल बोलिए, अनन्य आप पूर्वी अनम्यूट कर ले, बोलो क्या पूछना है, अनन्य पूर्वी पूर्वी बोलिए, पूर्वी बोलो मैम, हाँ बोलो, जो आपने 7 kg वाला वो 7 kg वाला फायर बोर्ड था, अरे मैम बड़ा जो था आपने चीज में आया था उसमें 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 फाइव उसमें एक एक बैलेंस में 5 kg का स्टोन था, 2 kg का स्टोन रख रहा, 2 kg रख लो फायर बोर्ड रखना, बस वो तो सबसे सिंपल है, और मैम ये पढ़ा रही बेटा इसको पूछ रही है, तुम वहां चले गए बताओ इतने बैक में, मैम इसको पूछ रही है, ये सारा फ्लो चला गया, रमा बताइए अब आया आपका कितना आया 200 ग्राम के लिए, कितना रुपी लगा उसको, मैम 14 हाँ तो राइट ईयर रुपीज 14, यस मैम नोट डाउन रुपीज 14, ठीक है इनको बोर्ड पे भी मैं कराऊंगी अभी, बट यू हैव टू सी, यस मैम नेक्स्ट पेज करिए, इसको बोर्ड पे भी करेंगे अभी, आपको नोटबुक में करना है, दैट इज नाउ नेक्स्ट पेज, अब देखिए यहाँ पर क्या है, रीड द वेग वेट शोन इन द पिक्चर, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग ए पार्सल ऑफ दैट वेट, अब देखिए यहाँ पर उन्होंने वेट इसमें दिखाया है, तो कितना वेट है 200 है ना, यहाँ पे 200 से आगे जा रहा है ये 225 ग्राम, तो पार्सल वेट इज 225 ग्राम, ये इससे देखना है हमको, वेट देखना है, राइट ईयर 225 ग्राम। मैम कॉस्ट ऑफ स्टैम्प का 500 रुपीज है क्या, कॉस्ट ऑफ स्टैम्प, अब कॉस्ट ऑफ स्टैम्प हमको निकालना पड़ेगा, वो हम बाद में लिखेंगे अपना आंसर, ठीक है अब मैं बैक पेज पे चले 250, अब देखिए जो पार्सल वेट था वो क्या था, देखिए पार्सल वाला वो देखना है हमको 250, ये देखिए ये पार्सल वाला रेट लिस्ट देखना है, ये देख लिया पार्सल वाला, ध्यान रखेंगे ये, यस पहले 50 ग्राम के लिए कितना लग रहा है 5, ठीक है 5 रुपीज मैम, आप बताइए अब यहाँ पे इसका आंसर पता चल गया, चल गया इसका आंसर 17 है, यस मैम 17 है इसका आंसर, आ गया ना 17 and 50 पैसे, हाँ 200 तक आपका कितना लग रहा है, कितना लग रहा है 200 तक 15 रुपीज लग रहा है,
14 लग रहा है, 14 लग रहा है, और आगे वाला, हाँ, आगे के लिए फिर से 3 रुपी, तो रुपी कितना लग जाएगा? यस मैम, रुपीज 17 मैम, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल था ये वाला, बहुत सिंपल था। अब आपको समझ आ गया ना इसलिए जल्दी रुपीज, बहुत जल्दी से हो गया रुपीज, सबको होना चाहिए ना, आपको तो हो गया ना माँ, कुछ आया समझ में बेटा? देखिए 200 ग्राम तक अभी हमने निकाला था ना, ये 200 ग्राम तक कितना निकल रहा था, देखिए इस बुक का निकाला, 200 ग्राम का निकाल रहे थे हम 14 रुपी निकाल रहे थे 200 ग्राम तक। अब yes, ma'am. अब इसमें 25 ग्राम और फालतू हो गया है, 25 ग्राम और ज्यादा हो गया है, तो 25 ग्राम के लिए भी वो 3 रुपी ही लेंगे, चाहे 50 हो या 50 से कम हो, तो वो 3 रुपी लेंगे, तो 14 प्लस 3 रुपी। हाफ नहीं लेंगे, नो नो नो, हाफ इसलिए नहीं लेंगे, 3 से 50 से कम भी वो 3 लेंगे। यस, वो देखो लिखा है ना सब, इसमें से कम या ज्यादा वो उतना ही लेंगे, देखिए 50 ग्राम, ये देखिए 50 ग्राम, वो 3 रुपी 3 ही लेंगे, चाहे 50 ग्राम हो या उससे कम हो, तब भी वो 3 रुपी लेंगे, 3 रुपी लेंगे वो। क्लियर है आयुष? रमा, रमा बताइए, अनिष्का आप बदलो, अनिष्का बताइए बेटा, अनिष्का टेल मी, क्लियर होना चाहिए। अवनी, प्रतिष्ठा, कुछ आया समझ में बेटा? क्लियर है, क्लियर है। ग्रंथ, ग्रंथ तो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। कौन किया? पूर्वी, पूर्वी क्या है तुम्हारा? पूर्वी बोलो, पूर्वी क्या, वो पीछे का पूछेगी फिर कुछ भी, आगे का तो पूछती नहीं। पूर्वी बोलो जल्दी, इतना टाइम नहीं बेटा, सुमंत्र, सुमंत्र बता दिए, सुमंत्र बोलो क्या पूछना है, सुमंत्र बोलिए, सुमंत्र को क्या पूछना है? मैम समझ में आ गया, हाँ सब आ गया, जब जिस आई विल सी व्हेन आई विल टेक द पेपर देन आई विल सी, अब मैम को पता चलेगा है ना। तो अभी बहुत सारे बच्चे म्यूट अनम्यूट हो गए, तो अभी मैं ये 5 बच्चे कौन है, किनको क्या पूछना है? पूर्वी बोलो ना, बोल के नहीं रहा, अनिकेत गुप्ता आज समझ गया, वो जा ही नहीं रहा, कौन कौन नहीं जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, नहीं जो हैंड रेस हुआ है हट ही नहीं रहा, मुझे समझ हट ही नहीं रहा। अच्छा ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अनन्या जायसवाल आपको कुछ पूछना है? अनन्या जायसवाल, जहाँ से हैंड लगाई थी वही लोअर हैंड लिखा होगा वही दबा दो, कोई बात नहीं, रहने दो उससे, कोई बात नहीं मैम, उससे कोई फर्क नहीं, रहने भी दो। अनन्या आपको कुछ पूछना है? अनन्या जायसवाल, यस मैम आ गया है समझ में, आ गया, यस मैम, तो फिर आपने हैंड रेज क्यों किया? अब मैं म्यूट कर रही, सारे बच्चे अनम्यूट हो गए धीरे धीरे करके, फिर सब लोग शोर मचाना शुरू कर देंगे। जस्ट वंस अगेन आई विल म्यूट टू ऑल, अक्षत अग्रवाल अनम्यूट करो, कुछ एक दो बच्चों को, अनन्या जायसवाल कर लो, एक दो बच्चों को मैं करके रखती हूँ जिससे बाकी। देन हाउ मेनी स्टाम्प्स हियर दिस वन, अभी हम इसको बोर्ड पे भी करेंगे या तो मैं अगली क्लास में बोर्ड पे कराऊंगी, आज हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है? इधर हाउ मेनी स्टाम्प्स, राहुल नीड स्टाम्प्स ऑफ रुपीज 25 फॉर हिज पार्सल, उसको 25 रुपीज के स्टाम्प चाहिए अपने पार्सल के लिए, ठीक है, क्लियर है? ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, अब वो पोस्ट ऑफिस गया, ओनली स्टाम्प्स ऑफ रुपी 1, रुपीज 2, रुपीज 5 एंड रुपीज 10 वर देयर एट दैट टाइम, उस समय पोस्ट ऑफिस में केवल इन वाली पोस्ट के स्टाम्प थे, एक रुपी वाला स्टाम्प था, 2 रुपी वाला था, 5 वाला था और 10 वाला स्टाम्प था, जैसे इनकी कॉस्ट लिखी रहती है स्टाम्प की, देखिए ये वाला स्टाम्प की कॉस्ट कहाँ लिखी रहती है, यू कैन सी, देखिए ये रुपी 1 का है, ठीक है, दैट इज रुपी 5 है ना, स्टाम्प की कॉस्ट लिखी रहती है, ठीक है। Then, so here, can you? नेक्स्ट क्लास में ही करना पड़ेगा, चलिए हमको थोड़ा सा कितना टाइम हो गया,
टाइम इज गेटिंग ओवर बेटा, नया आप रीड करके रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में जो इनको नोटबुक में बोर्ड पे करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यस मैम, तो ये क्वेश्चन आप रीड करके रखिएगा, ये वाला ये यहाँ से ये रीड करके रखिएगा, ये वाला, ये दिस वन, ये होमवर्क रहेगा आपका, पूरा अच्छे से रीड करिएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगी जो मैम ने आज एक्सप्लेन किया, सबको क्लियर हुआ बच्चों, क्लियर हो गया।